वेलकम टू द चैनल ज्ञापन एकेडमी। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 3.4 का वन नंबर का जितना भी चार क्वेश्चन था बहुत ही आसान मेथड द्वारा हम आपको समझा चुके हैं, ठीक है, डीपली आपको समझ में आया होगा। इसमें हम लोग देखेंगे दूसरा क्वेश्चन में बहुत सारा क्वेश्चन है। अब देखिए 3.4 में यानी 3 लेसन में अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो एक तो क्वेश्चन रहेगा आपका ग्राफ, और दूसरा इसी में से यानी कि 3.4 का जो यहाँ पे एक नंबर लिखे हैं, 2 नंबर है, 3 नंबर है, ऐसे ही है। तो 3 नंबर क्वेश्चन और 1 नंबर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको दिमाग में सही से फिट कर लीजिएगा, ठीक है, बढ़िया से समझिएगा, एकदम इत्मीनान से समझिएगा। देखिए ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है फॉर्म द पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन द फ्लोइंग प्रॉब्लम। ठीक है, जो भी ये सब नीचे आपको समस्या यानी क्वेश्चन क्या होता है, एक समस्या होता है, ठीक है, तो जो भी ये समस्या दिया गया है रैखिक समीकरण आपका जो भी दिया गया है जोड़ा में होगा ये। अब देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ा जाएगा, पढ़ने के बाद से इसका जाहिर सी बात है 3 लेसन में कितना समीकरण बन रहा है, 2 समीकरण बन रहा है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर मिल रहा है, तो वही बात है एंड फाइंड देयर सोल्यूशन। अब देखिए सोल्यूशन यानी कह रहा है कि ये जो भी रैखिक समीकरण दिया गया है इस प्रॉब्लम को आप क्या करिए, ये जो भी रैखिक समीकरण जोड़ा में दिया गया है इसका सोल्यूशन निकाले इफ दे एग्जिस्ट बाई एलिमिनेशन मेथड। यानी बोल रहा है अगर ये अस्तित्व में है, अगर क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, अगर इसका इक्वेशन बन जा रहा है तो ये अस्तित्व में होगा, और जैसे ही अस्तित्व में होगा तो उसको कौन सी विधि द्वारा, एलिमिनेशन मेथड यानी विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या होता है, जो एक विलोप हो जाएगा, 2 समीकरण बनेगा, बताए थे कल x+y और x-y, यहाँ पे कुछ मान लीजिए 8, यहाँ पे 4, तो क्या होगा विलोपन में, क्या होता है एक ठो विलोप हो जाता है, कट के खत्म हो जाता है एक ठो, जब एक ठो कट के खत्म हो गया, गायब हो गया, विलोप हो गया, तो ऐसे विधि को हम लोग क्या बोलते हैं, विलोपन विधि बोलते हैं, ठीक है, ये हम आपको बताए थे। अब देखिए तो यहाँ प्रॉब्लम दिया गया है, अब जब प्रॉब्लम सामने है तो सोल्यूशन ही तो बस ढूंढना है ना। देखिए अब कैसे ढूंढेंगे हम लोग, कह रहा है कि इफ वी एड 1 टू द नोमरेटर एंड सब्टेक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। सबसे पहले ये एक बात समझिए, कह रहा है कि एक भिन्न दिया गया है, और भिन्न में, भिन्न का मतलब समझते हैं जो बट्टा में लिखा जाता है, भिन्न यानी फ्रैक्शन। मान लीजिए कि यहाँ पे दे दिया गया है कोई भी 2/3 या 4/3, ये एक प्रकार का भिन्न है ना, 2/3 लिख रहे हैं, ये क्या एक प्रकार का भिन्न है, लेकिन यहाँ तो कुछ नहीं दिया है। अब देखो नोमरेटर किसको कहते हैं, ऊपर वाले को नोमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमरेटर बोलते हैं, यानी ऊपर वाले को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले को हर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। यहाँ कह रहा है कि अगर अंश में यानी नोमरेटर में, अब देखिए यहाँ कुछ नहीं दिया है बट्टा, हम लोग तो अपने से 2/3 माने हैं ना, तो अपने से 2/3 नहीं माना जाता है, कोई नंबर माना नहीं जाता है, अगर आपको मानना ही है ना तो एक्स मानिए, वाई मानिए, वेरिएबल ही मानिए, यानी चर ही माना जाता है। चलिए मान लीजिए कि हम ऊपर वाले को एक्स मान लिए, नीचे वाले को वाई मान लिए, अब क्या बोल रहा है कि नॉमरेटर यानी अंश में ये ऊपर वाला में क्या जोड़ दें, 1 जोड़ दें, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्ट माने होता है घटाओ, और यहाँ पे डिनोमिनेटर यानी हर में से हम लोग क्या घटा दें, 1 घटा दें, जब ऊपर वाला में 1 जोड़ दें और नीचे वाला में से हम 1 घटा देंगे तो हमारा फ्रैक्शन कितना हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है कि इफ वी एडेड 1 द नोमरेटर एंड द सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन यहाँ पे रिड्यूस टू 1, यहाँ पे आपको हो जाएगा, तो ये आपका फ्रैक्शन 1 हो जाता है, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। यही तो आपको बोला गया है कि अगर नोमरेटर में से यानी अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें, तो आपका जो बट्टा होगा यानी उधर बचेगा वो 1 बचेगा। कुछ देर के लिए हम यहाँ पे दे दें आपको, देखिए कैसे यहाँ पे हम दे दें 3, या फिर यहाँ पे दे देते हैं हम 2 दे दें, और यहाँ पे दे दें 3, तो बोल रहा है कि अगर हमें 1 जोड़ दें और इसमें से 1 घटा दे तो घटाने के बाद आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। वैसे आएगा नहीं, लेकिन हम ऐसे ही अपने से मान के बताएं, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि नोमरेटर में 1 जोड़ दें और डिनोमिनेटर में से 1 घटा लें तो आपका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अब इसके बाद से क्या कीजिएगा, बट्टा 1 मान के तिरछा आप गुणा कीजिएगा, समीकरण बन जाएगा। उसके लिए हम लोग सबसे पहले एक काम करते हैं, मानते हैं पहले नोमरेटर, ऊपर वाले को लिखना पड़ेगा ना, यानी लेट बी नोमरेटर इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई, यानी कि यहां लिखेंगे हम लोग माना कि अंश, भिन्न का अंश, भिन्न यानी फ्रैक्शन, भिन्न का अंश क्या हो जाएगा, x, तथा हर क्या हो जाएगा, y, तो भिन्न बराबर का होता है, तो भिन्न बराबर हो जाएगा अंश बट्टा हर माने x बट्टा y हो जाएगा। लिख देते हैं यहां पे अंश बट्टा
हर, यानी कि x बटा वाई। अब क्या बोल रहा है कि उसमें इफ वी एडेड वन टू द नोमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, ठीक है, फ्रैक्शन रिड्यूस टू वन, तो आपका हो जाएगा बचेगा कितना, वन बचेगा। यहाँ पे बोल रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन ये हो गया आपका, प्रश्न से लिखिए नोमरेटर में से, नोमरेटर में आपको यानी ऊपर वाला में एक जोड़ना है और नीचे वाला में से एक घटाना है, तो आपका बचेगा वन, यही आपको बोल रहा है। बट्टा एक मान के तिरछा तिरछी गुणा कीजिएगा, तो वन में एक्स प्लस वन से तो ये उतना ही हो जाएगा और ये वाई माइनस वन हो जाएगा। अब एक जात को एक जगह कीजिए, एक जात को एक जगह करने का मतलब क्या होता है, ए बी सी डी वाले पार्ट को ए बी सी डी वाले के पार्ट की तरफ रखिए, नंबर को एक तरफ रखिए, ठीक है। तो ये देखिए वाई प्लस में है, एने आएगा तो माइनस में हो जाएगा, एक्स माइनस वाई, ये प्लस में है इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। एक्स माइनस वाई, माइनस वन कितना होता है, माइनस टू होता है। अब ये समीकरण हो गया आपका एक्स। इस प्रकार सेम वैसे ही दूसरा भी है, कह रहा है यहाँ पे इफ बिकम वन बाई टू। देखिए यहाँ बोल रहा था कि एक जोड़िए और एक घटाइए तो आंसर कितना आएगा, एक आएगा, ठीक है, यानी कि वन बचेगा। यहाँ पहले ही बोल दिया है कि बचेगा एक बटा दो, क्या बचेगा, पहले ही आंसर दे दिया है एक बटा दो बचेगा। कब बचेगा, जब ओनली एडेड वन टू द डिनोमिनेटर, और यानी कि हर में इसको बोलते हैं डी और इसको बोलते हैं एन, यानी डिनोमिनेटर में अगर आप वन जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, क्या हो जाएगा, एक बटा दो आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा एक्स बटा वाई। कह रहा है कि अगर डिनोमिनेटर में क्या ऐड करें, ओनली वन ऐड करना है, तो आपका क्या हो जाएगा, वन बाई टू हो जाएगा, ठीक है। अब ये तिरछा तिरछे गुणा कीजिए, ये हो जाएगा टू एक्स और ये हो जाएगा वाई प्लस वन, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, टू एक्स माइनस वाई बराबर वन, ठीक है, ये समीकरण दो। देखिए दो तो समीकरण बन गया, तो कौन सा मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन मेथड यानी कि विलोपन विधि यूज करना है, ठीक है। तो समीकरण एक यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, लेकिन समीकरण एक में से दो को घटाने पर, समीकरण एक में से दो को घटाने पर, यहाँ देखिए समीकरण एक एक्स माइनस वाई बराबर माइनस टू और यहाँ लिखा है टू एक्स माइनस वाई बराबर वन, ये हो जाएगा आपका, हाँ ठीक है वन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जब हम घटाने पर बोले हैं तो एक चीज़ याद रखिए, जब भी बोले थे घटाने का बात करें तो आप क्या कीजिएगा, घटाने के मामले में वहाँ पे आप करें सिंबल को चेंज करेंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, ये प्लस तो ये हो जाएगा माइनस। ये देखिए एक ठो वाई प्लस में अब है, आई है माइनस में, ये पूछा जाएगा वाई किस में है, तो ये मत कहिए कि ये माइनस में है, अब ये प्लस में हो चुका है, तो प्लस में वाई या माइनस में वाई खत्म हो गया। दो में से एक एक्स जाएगा तो बचेगा कितना है आपके, माइनस में आपको एक्स बचेगा, माइनस दो और माइनस एक कितना होता है, तो माइनस में तीन, माइनस से माइनस खत्म, एक्स बराबर आपका क्या आया, तीन आया, एक्स बराबर तीन, एक्स क्या माने, अंश माने हैं, ठीक है। अब एक्स का मान किसी में ले जाके भर दीजिए, या फिर समीकरण एक में भरिए या फिर समीकरण दो में भरिए, आपकी मर्जी, हम एक में भरते हैं। एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, एक्स का मान आया है थ्री, थ्री माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस टू, ये माइनस प्लस में है थ्री, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा माइनस टू और माइनस थ्री, माइनस वाई बराबर माइनस फाइव, माइनस से माइनस खत्म, वाई बराबर पाँच, यहाँ पे वाई बराबर पाँच आया, यहाँ पे एक्स बराबर तीन आया। तो बताइए भिन्न बराबर क्या माने थे, आप भिन्न बराबर माने थे एक्स बट्टा वाई, तो एक्स आया है आपका तीन और वाई आया है आपका पाँच, यही आपका फ्रैक्शन होगा। यही तो आपको बोल रहा था कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न क्या होगा बताइए। तो ले लीजिएगा इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो बिना देर के हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू का, यानी एक्सरसाइज 3.4 का, ये दो का दो नंबर क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारा डाउट आता है। डाउट आता क्या है, ध्यान से समझिएगा, इसमें ये डाउट आता है उम्र वाला में, कभी कभी बोलता है गुणा इसमें करने को, गुणा दूसरे में आखिर क्यों करते, बच्चा सबसे ज़्यादा उम्र वाले क्वेश्चन में फंस जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, अब पूरा का पूरा आपका डाउट खत्म हो जाएगा, उम्र वाला क्वेश्चन में तो डाउट रहेगा नहीं, कैसे,
उम्र वाला क्वेश्चन में हमेशा एक चीज याद रखिएगा, छोटा इसमें जो भी होगा, जैसे क्या देगा उम्र वाला क्वेश्चन में, क्या देता है, पुत्र देता है, पिता देता है, पूछेगा पुत्र की पिता की आयु 4 गुना है पुत्र की आयु से, तो हमेशा इसमें जो छोटा होगा उसी में गुणा होगा। ये दिमाग में आप बैठा लीजिए कि जो छोटा होगा उसी में गुणा होगा, यानी जो जितना गुना भी बोले गुना उसी में होगा। एक और बात, अगर मान लीजिए हम बोले कि पिता, जैसे कि उम्र 4 बरस पहले पिता की उम्र, तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए कि लड़का है, ये पिताजी हैं और ये लड़का है, ठीक है, और बोला जाए कि 4 बरस पूर्व, तो इनका उम्र अगर 25 बरस है तो 4 बरस पहले इनका उम्र कितना होगा, ठीक है, तो इसमें से 4 घटेगा तो जाहिर सी बात है कि इनका उम्र कितना होगा, 21 बरस होगा। अगर लड़का का उम्र 10 बरस है तो इसका 4 बरस पहले कितना होगा, तो अभी तो 10 साल का है तो इससे 4 बरस पहले जाएगा तो ये 6 साल का होगा, तो जब भी 4 बरस पूर्व पहले बोलेगा तो दोनों में घटेगा, क्योंकि मान लीजिए आप अभी जितने बरस के हैं अगर 4 बरस पहले का बात करें तो आप अपने उम्र में से 4 वर्ष घटाइएगा, और उस समय हमारा भी उम्र है तो हम भी तो अपना घटाएंगे, ऐसा नहीं है कि 4 वर्ष पहले हम जितना के अभी है उतना के उस समय भी रहेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। वैसे ही ये क्वेश्चन देखिए बनेगा, एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए, बैठा लीजिए, क्या हमेशा छोटा वाला में ही गुणा होगा, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। अब देखिए यहाँ लिखा है 5 ईयर्स एगो, ईगो मतलब होता है 5 बरस पहले, नूरी वाज, देखो यहाँ पे लिखा है ट्राइस एज ओल्ड एज, यहाँ थ्राइस लिखा है एज ओल्ड एज सोनू, अब कह रहा है कि जो नूरी है यहाँ पे सोनू से 3 गुनी है, 5 बरस पहले का बात हो रहा है, क्वेश्चन क्या बोला है 5 बरस पहले, अभी से 5 साल पहले, तो दोनों में से 5 घटाएंगे, ठीक है, कौन किससे 3 गुनी है, तो नूरी 3 गुनी है सोनू से, तो गुना सोनू में होगा क्योंकि सोनू छोटा है। तो सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन दोनों के उम्र अभी पता कर ले एक्स, और उसमें से हम लोग माइनस करेंगे। देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग, माना कि यहाँ पे नूरी नूरी सोनू से बड़ी है, तो माना कि सोनू सोनू की वर्तमान, माने अभी कितना उम्र मान ले, वर्तमान आयु एक्स, तथा नूरी की आयु, वर्तमान आयु वाई, क्या बोला है यहाँ पे 5 बरस पहले, ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 5 बरस पहले, सोनू की आयु कितना हो जाएगा, तो अभी एक्स इनका उम्र है 5 वर्ष पहले कितना होगा, तो उनके उम्र में से 5 साल घटा दीजिए, वैसे ही 5 वर्ष पहले यहाँ लिख लीजिएगा नूरी की आयु, नूरी की आयु कितना हो जाएगा, तो इनका उम्र अभी है वाई, इसमें से 5 वर्ष घटा लीजिएगा, प्रश्न से यहाँ लिख दीजिए, प्रश्न से ये दोनों को यहाँ सामने कीजिए, एक्स माइनस फाइव और वाई माइनस फाइव, ठीक है, यहाँ क्या बोला है 5 ईयर्स एगो नूरी वाज ट्राइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है, यानी सोनू से क्या है नूरी इतना है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, यहाँ पे क्या बोला है, कौन किसके यहाँ पे कितना गुना है, यहाँ पे देखिए तो एज ओल्ड ट्राइस, यानी 3 गुना कौन है, नूरी 3 गुना है, यहाँ पे कौन 3 गुना है, नूरी 3 गुना है, तो गुना किस में होगा, सोनू में होगा, सोनू का उम्र क्या है ये, तो इसमें 3 से गुना होगा, ठीक है। अब यहाँ हम लोग जो भी ब्रैकेट के यहाँ बाहर आता है उसे गुणा करते हैं, यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 3 × 5 = 15 इज इक्वल टू यहाँ वाई माइनस 5। एक चीज़ याद रखिएगा, आप उम्र को अगर मानना चाहते हैं, किसी को x किसी को y मान लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपने से माना जाता है, यहाँ जो मन करे वो मान सकते हैं, क मानिए ख मानिए जो आपके दिमाग में है, लेकिन का होता क्या है कि मैथमेटिक्स में थोड़ा सा हम लोग मानते हैं स्टैंडर्ड जो होता है वो, अब कख अगर इसमें हिंदी वाला नहीं ना मानेंगे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अब एक जात को एक जगह कीजिए, यहाँ एक जात को एक जगह कीजिएगा तो क्या होगा, ये एक जात को एक जगह करने का मतलब होता है एबीसीडी वाले जात को एबीसीडी वाले के तरफ, और ये जो नंबर है उसको नंबर की तरफ हम लोग करते हैं, ठीक है, तो यहाँ वही करना है। देखिए 3x प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और ये माइनस 5 ये माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में, ठीक है, ये हो जाएगा, ये वाई होगा यहाँ पे 3x माइनस वाई, और ये हो जाएगा 15 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 10, समीकरण 1।
अब क्या बोला है यहाँ ध्यान से समझिएगा, अब बोला है कि 10 ईयर्स लेटर यानी कि 10 साल बाद कह रहा है नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ पे बोला था 5 साल पहले नूरी कितना कितनी गुना बढ़ी थी, 3 गुना बढ़ी थी, लेकिन अब बोल रहा है कि अभी जो हम लोग उम्र माने हैं ना उससे 10 साल बाद, मान लीजिए कि आपका उम्र अभी 12 बरस है या फिर मान लीजिए कि 14 बरस है, 10 साल बाद आपका उम्र क्या होगा, तो 10 साल जोड़ दीजिए तो हो जाएगा आपका 24 बरस हो जाएगा। वैसे ही अभी उम्र इसका एक्स है, 10 साल बाद करना है, दोनों में 10 साल बाद कितना हो जाएगा, नूरी कितना हो जा रही है, दुगुना हो जा रही है। तो जब भी इसमें तो यहाँ पे बोला जा रहा है तो इसमें सोनू ही छोटा है तो गुना हमेशा सोनू में ही होगा। यहाँ देखिए, यहाँ लिखिए 10 वर्ष बाद, यहाँ पे 10 वर्ष बाद पहले लीजिएगा सोनू लिए है ना, सोनू की आयु एक्स पहले था 10 जोड़ दीजिए, फिर यहां लिखिए 10 बरस बाद नूरी की आयु वाई प्लस 10। प्रश्न से या इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रश्न से। अब देखिए यहां पे क्या बोला है, ये आया है एक्स प्लस 10, ये 10 साल बाद, और ये आया है एक्स प्लस वाई प्लस 10। कह रहा है कि 10 साल बाद जो नूरी है दुगुना हो जाएगी सोनू से, तो नूरी तो दुगुना हो ही जाएगी सोनू से, तो गुना किस में होगा, जो छोटा होगा, तो सोनू छोटा है सोनू वाला, तो इसमें गुना कीजिए। हमेशा एक चीज ट्रिक याद कर लीजिए कि हमेशा छोटा वाला में ही गुना होगा इस क्वेश्चन में, ठीक है। आगे का क्वेश्चन का हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपके टेंथ के एग्जाम में तो यही है बस, ठीक है। अब देखिए 2 में दोनों से गुना कीजिए, 2 में एक से तो 2x, और ये हो जाएगा 10 दुना 20, और ये y प्लस 10, एक जात को एक जगह कीजिए 2x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, और ये 10 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 20, 2x माइनस y बराबर माइनस 10, समीकरण क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जब समीकरण 1 और 2 पता हो गया तो इसमें अब करना क्या है, जब 1 2 पता हो गया तो इसको क्या करिए, समीकरण 1 2 से विलोपन विधि यूज करना है हमको, हमेशा इसमें एलिमिनेशन मेथड ही यूज करना है, विलोपन विधि। तो विलोपन विधि से क्या कीजिएगा, यहाँ लिख दीजिए एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि, और विलोपन विधि लिखने के बाद समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर लिख दीजिए, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और ये है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। एक चीज याद रखिए, जब भी हम घटाने पर बोलेंगे तो समझिएगा उसका सिंबल चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस एक ऐसा मनहूस नंबर है, ठीक है, ये जहां लगेगा वहां से मतलब पनौती समझो इसको, ठीक है, ये पनौती है, जहां लगेगा उसमें कुछ ना कुछ बदल देगा। तो यहां दोनों को घटाने पर हम बोले तो सबका सिंबल चेंज होगा, प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, ये भी माइनस है तो प्लस में, ये कट जाएगा प्लस माइनस, 3x में से 2 जाएगा तो कितना 2x जाएगा तो एक x बचेगा, और ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, x बराबर कितना आया 20 आ गया, आपका x बराबर कितना आ गया 20 बरस आ गया। अब देखिए जब x बराबर आपका यहाँ पे 20 आ गया, 3 और 2 हाँ ठीक है 20 आ जाएगा, उस हिसाब से x का मान किसी में ले जाकर भर दीजिए, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, दोनों में से किसी में भर सकते हैं, 3x का मान हो जाएगा 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, ये हो जाएगा 20 तिया 60 माइनस वाई इज इक्वल टू 10, 10 माइनस 60 वाई बराबर माइनस में, माइनस माइनस करता हूँ वाई बराबर हो गया आपका 50। अब यहाँ देखिए x किसको माने है, x माने है सोनू की उम्र, तो लिख दीजिए सोनू की उम्र, सोनू की आयु 20 बरस, और नूरी की आयु y माने तो 50 बरस। तो देखिए यही हो जाएगा आपका आंसर, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। तो बिना देर किए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बार बार पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा इसमें भी कन्फ्यूजन आता है। देखिए आपके इस 3 लेसन में 2 टाइप का ही क्वेश्चन, एक तो ये हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है, और दूसरा एज वाला जो क्वेश्चन है, याद रखिए एज वाले क्वेश्चन में हमेशा छोटे वाला जितना गुना बोलेगा छोटे वाले में बिना देखे गुना कर दीजिएगा, ठीक है, जितना गुना बोलेगा उतना गुना। ये क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9
ऑल्सो नाइन टाइम्स दिस नंबर एज ट्वाइस द नंबर ऑप्टेन बाई रिवर्सिंग द अदर ऑफ डिजिट फाइंड द नंबर. नहीं पल्ले पड़ा बता रहा है. देखिए ध्यान से समझिए, ये कह रहा है कि दो अंकों की संख्याओं को जोड़ा जाए. दो अंकों की संख्या समझते हैं, है कौन अंक है, है लिखे हैं तो एक अंक है, एक अंक है, दो अंक है, ठीक है, कितना अंक है, दो अंक. आई दोनों को कह रहा है कि कोई ऐसी दो अंकों की संख्या है वो दोनों को जोड़ा जाए तो कितना आ रहा है, जोड़ने पर नाइन आ रहा है. बताइए ये दोनों को जोड़िएगा तो नाइन आएगा, ये तो पाँच आ जाएगा. ये पता नहीं है हमको कि क्या होगा, ठीक है, लेकिन जोड़ने पर कितना आ रहा है, नाइन आ रहा है. उसके बाद कह रहा है, मान लीजिए जोड़ने पर नाइन आ रहा है, कह रहा है कि ये जो अंक है इस अंकों को क्या करा है, ये दुगुना कब होगा, जब अंकों को पलटिएगा. ये बात की बात है. पहले सबसे पहले यहाँ पे दो अंकों वाला समझिए. दो अंक है, अगर हम आपको बोले कि अगर ये दो अंकों की संख्या है तो थोड़ा सा इसको बढ़ा चढ़ा के लंबा चौड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ आप छोटे क्लास में हम लोग पढ़े हैं, लिखा जाता है दो गुणे दस और प्लस तीन गुणे वन, तब ना होता है. चाहे कोई लिखता है दो गुणे दस और प्लस में तीन, यानी दो दहिया हो जाता है बीस और प्लस तीन कितना हो जाएगा, तेईस. इसको अगर बढ़ा चढ़ा के लिखना होगा लंबा चौड़ा तो ऐसे लिखते हैं चाहे ऐसे लिखते हैं. कभी सोचे हो कि ये क्यों लिखते हैं, ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हम लोग एक चीज़ पढ़े हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, यानी कि इकाई दहाई हम लोग पढ़े हैं. तो पहला वाला इकाई होता है, दूसरा वाला दहाई होता है. इकाई माने एक से गुणा उसमें होता है और दहाई माने उससे दस से गुणा होता है. सैकड़ा माने सौ से गुणा होता है, ठीक है. तो यहाँ पे इकाई है तो इसीलिए थ्री गुणे वन किए हैं, दहाई दो है तो दस से यहाँ पे गुणा किए हैं हम, ठीक है. तो इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. तो ये यहीं पर वो काम आएगा, ठीक है. अगर देखिए अभी हमको कुछ संख्या पता है, कोई संख्या नहीं पता है, तो एक संख्या को x माने हैं, जैसे कि मान लो कि पहला संख्या हम x मानेंगे दूसरा y मानेंगे, तबे ना दो अंक का संख्या होगा. वैसे दो अंक की संख्या कहां से कहां तक होती है, तो देखिए 9 के बाद से 10, 10 दो अंक का गया, आई कहां से कहां तक जाता है, 99 तक जाती है. 99 के बाद क्या हो जाता है, 100 हो जाता है. तो ये तीन गो अंक हो गया ना, एक अंक दो अंक और तीन अंक. तो ये 10 से लेकर के और 99 तक संख्या होती है. इसी में से कोई एक संख्या है जिसमें दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है. हाँ, सबसे पहले हम लोग को संख्या मानना पड़ेगा क्योंकि कोई भी दो अंकों की संख्या है. तो यहाँ पे मानते हैं इकाई और दहाई. माना कि इकाई अंकों की संख्या, या फिर एक और मान सकते हैं, माना कि संख्या का इकाई अंक क्या होगा. इकाई को मानते हैं x. इकाई पहले होता है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई भी अंक है ना, पहला वाला को हम यहाँ पे क्या माने हैं x, और दहाई यानी दो नंबर वाले को y मानेंगे. हमारा संख्या ओरिजिनल ये होगा. जाहिर सी बात है कि ये दहाई है तो इसमें कितना से गुणा होगा, इससे 10 से गुणा होगा. और ये इकाई है तो इसमें कितना से गुणा होगा, 1 से गुणा होगा. तो ये 10 में y से तो 10y हो जाएगा, ये हो जाएगा x. ये हमारा ओरिजिनल संख्या होगा, ठीक है. तभी तो पता चलेगा इसमें इकाई कौन है, दहाई कौन है, ठीक है. तो यहाँ देखिए इकाई हम क्या मान लिए, x मान लिए, और दहाई क्या मान लिए हम, दहाई बराबर y मान लिए, ठीक है. अब यहाँ पे हमारा संख्या क्या हो जाएगा, संख्या हो जाएगा इकाई, यानी पहला वाला इकाई होता है, दूसरा वाला दहाई होता है, ठीक है. संख्या बराबर x. और इस हिसाब से हम लोग देखें तो यहाँ पे अपना वास्तविक संख्या जो भी होगा, या वास्तविक संख्या या संख्या कुछ भी, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखिए. पहला वाला क्या है, वंस है, तो x में 1 से गुणा, और प्लस दूसरा वाला वाई गुणे 10 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 10y, यानी 10y, और प्लस में हो जाएगा ये x. अब यहाँ पे बात बोल रहा है कि अगर इस संख्या को पलट दें, जैसे कि ये 23 ये 24 था ना, इस संख्या को पलटिएगा तो 4 आगे आ जाएगा और 2 चला जाएगा पीछे. तो अब देखिए पहले था है 10 गुणे 2, यहाँ पे 4 गुणे 1, इकाई पर 4 था तो 1 से गुणा, लेकिन अब यहाँ पे इकाई पर क्या हो गया है, 2 हो गया है, और दहाई पर अब हो जाएगा 4 गुणे 10 और प्लस 2 गुणे 1 हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे अगर पलटिएगा, अंकों को पलटिएगा तो क्या होगा, x हो जाएगा आगे, वाई हो जाएगा पीछे. तो अब x में 10 से गुणा होगा और वाई में 1 से गुणा होगा, ठीक है. तो कब ये करना है, जब बोलेगा इसमें रिवर्स करने पर, यानी अंकों को पलटने पर, तब इसको हम लोग पलटेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए ये हो गया आपका संख्या. अब देखिए क्या बोला है कि दो अंक जब हमको पता हो गया, एगो एक्स एगो वाई, ठीक है. तो यहाँ लिखिएगा आप प्रश्न से, क्या लिखिएगा, प्रश्न से, या फिर एक और यहाँ पे लैंग्वेज लिख सकते हैं, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ठीक है. यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी रिवर्स करने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y और क्या है,
y x आ जाएगा आगे और y आ जाएगा बाद में, तो इसका एक्सपेंडेड यानी कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म आप कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नहीं 10x अब प्लस में y में x है तो y हो जाएगा, ठीक है इतना आपको। अब लिखिए यहाँ पे प्रश्न से, देखिए इसको समझने के लिए ध्यान से इसको समझिएगा, हमेशा कुछ भी यहाँ पूछे दो अंकों की संख्या तो दो अंक लिख करके इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिख दिया जाता है। अब बोला है यहाँ क्वेश्चन पढ़िएगा, दशमलव दो अंकों की संख्या जो है उन दोनों अंकों को जोड़ने पर कितना आता है, 9 आता है, तो एक काम कीजिएगा यहाँ दो अंकों है तो यहाँ पे लिखिएगा x प्लस वाई बराबर क्या आता है, 9 आता है, समीकरण एक। अब दूसरा बोला है कि 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, यानी बोल रहा है कि जो पहला संख्या है उसका 9 गुना कीजिए और दूसरा संख्या को पलट के दुगुना कीजिए, समझ में हम क्या बोले, यानी कि पहले x, पहले हमारा पहला संख्या क्या है y x है, यही ना है जी संख्या हमारा y, इकाई हम माने हैं x तो इकाई है दाई है, तो ये बोला इसको 9 गुना कीजिए, ठीक है इसको पलट के दुगुना कीजिए तो बराबर आएगा, पलट के माने हो जाएगा ये हो जाएगा आपका x आगे और y हो जाएगा पहले, इसको कितना से गुना कीजिए, 2 गुना कीजिए। तो देखिए इस हम डायरेक्ट ऐसे गुना नहीं करेंगे, हम इसका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखेंगे, ठीक है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है, 9 यहाँ तो लिखेंगे ही, ये होता है यहाँ पे 10y प्लस x अब बराबर 2, ये होता है 10x अब प्लस वाई, ये वाला देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये दोनों है, ठीक है तो यहाँ ये हो जाएगा, तो डायरेक्ट प्लस निकले के बाद ये लिखिएगा और उसके बाद से आप क्या लिखिएगा यहाँ पे ये आप लिख दीजिए, थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर लिख दें, 10y अब प्लस में x अब बराबर 2 10x प्लस में y, ठीक है आपको ये लिखना है। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए, 2 में 10 से 9 में 10 से गुणा तो हो जाएगा कितना, 9 दहिया 90y प्लस 9x, ये हो जाएगा 2 दहिया 20x प्लस 2y, एक जात को एक जात कीजिए y को इधर लाइए, ठीक है तो जब y को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 90y माइनस में 2y और ये हो जाएगा 20x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में 9x, 90 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा कितना ये 88y और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 20 में से 9 जाएगा 11x, कटाइए 11 8 88, एक्स बराबर आया 8y, घबराना नहीं है एक्स बराबर 8y तो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स का मान ले जाएगा कहीं भरिए समीकरण एक में ही भरिए, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 9 तो ये हो जाएगा x बराबर क्या है 8y है तो x के जगह पर क्या भरिएगा 8y प्लस y बराबर 9, 8 गो वाई आई गो वाई को गो वाई 9 गो वाई बराबर में हो जाएगा 9, 9 एकम 9 y बराबर आपका क्या आ गया 1 आ गया, जब आपका y बराबर 1 आ गया y क्या माने हैं याद रखिएगा दहाई माने हैं, y क्या माने हैं आप दहाई माने हैं, y का मान फिर से ले जाके इसी में भरे चाहे यहाँ पे 2 मान लीजिए इसको इसमें ले जाके भरिए, y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर y क्या है यानी 8y बराबर में x, ये ना 8 इंटू वाई का मान 1 आया है x, x बराबर का आ गया 8 आ गया। अब ये वहाँ देखिए y बराबर आया है 1 और x बराबर आया है 8 और संख्या आप क्या माने हैं, संख्या बराबर दिया है आपको संख्या तो निकालना है ना, संख्या बराबर लिखे हैं y x, y का मान कितना है y का मान है 1, x का मान कितना है x के नीचे 18, 18 एक ऐसा संख्या है जो दोनों संख्या को जोड़ने पर 9 आ जाएगा, देखिए तो 18 है ना दोनों को जोड़िए 8 गो आए वो कितना हो जाएगा 9 गो हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको ध्यान से समझिएगा, ये देखिए हमारे डेली लाइफ में ये घटनाएं होती रहती है, कैसे यहाँ लिखा गया है कि मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉल 2000 रुपीज, अगर हम आपसे बोले कि आप बैंक गए हैं कुछ देर के लिए 2000 रुपया निकाले हैं तो 2000 रुपया निकाले हैं तो आपको कुछ 100 का नोट दिया है और कुछ 50 का नोट दिया है, ठीक है ऐसे करते करते कितना रुपया दे दिया है आपको 2000 रुपया वो दे दिया है, अगर मान लीजिए कि आपको वो 2000 रुपया दे दिया, ध्यान से समझिएगा, तो सपोज कुछ देर के लिए कि 100 का नोट अगर 10 गो रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ठीक है तो 50 का नोट कितना होगा,
50 का नोट आपके पास कितना होगा, 20 को होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 1000 हो जाएगा। तो यहाँ ये आपको लेकिन नहीं पता है, वो 2000 रुपये दिया है, कितना आपका जो भी यहाँ पे लिखा होगा कैशियर जो है आपका खजांची जिसको बोला जाता है, वो 2000 रुपया दिया है, लेकिन 2000 का नोट नहीं दिया है, कुछ 50 रुपये का नोट दिया है और कुछ 100 रुपये का नोट दिया है, ठीक है। और सब करके कितना दे दिया है आपको, 2000 रुपये दे दिया है, ठीक है। अब मान लीजिए 2000 रुपया यहाँ दे दिया, तो उस हिसाब से पूछा जा रहा है, ठीक है। और नोट कब है, तो 25 गो नोट दिया है, कब नोट दिया है, 25 गो। ध्यान से समझिएगा, अगर हम आपको बोले कि हम आपको 1000 रुपया दे रहे हैं, तो चलिए मान लीजिए कि हमने आपको 1000 रुपया दे दिया, तो कई तरीका से देंगे ना, 500 का दो गो नोट दे देंगे, यानी कि 500 का अगर हम कितना नोट दे दें, दो नोट दे दें, तब वो 1000 हो जाएगा, ठीक है। अगर 50 का हम लोग कितना नोट दे दें, 20 नोट दे दें, यहाँ नोट हो गया, ये नोट है और ये आपका रुपीस है, ठीक है। 50 का अगर हम 20 नोट दे दें, तो भी क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यही तो बात है कि 2000 रुपये तो दिया गया है, ठीक है, वो कैशियर लाया बैंक से, आप बैंक गए, बैंक वाले ने 2000 रुपये दे दिया, लेकिन 50 का और 100 का नोट दिया है, और दोनों नोट कितना है, तो दोनों नोट 25 को नोट दिया है। तो हमको ये पता नहीं चल रहा है कि उसमें 100 का कौगो नोट दिया है और 50 का कौगो नोट दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 25 को टोटल मिलाकर नोट दिया है, तो हम मानते हैं कि मान लीजिए 50 रुपये दिया है और रुपए दिया है, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या को कुछ मान लेते हैं और 100 रुपए के नोटों की संख्या, और दोनों को जोड़ने के बाद 25 गो नोट होगा। देखिए यहां पे माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या y, ठीक है। 50 रुपए का कौन नोट x और 100 रुपये का वाई, और दोनों मिलाकर के कौन नोट है, x प्लस वाई बराबर 25 नोट है। कितना है, प्रश्न से यहाँ पे लिख देते हैं, समीकरण एक। यहाँ देखिएगा 50 रुपये का नोट x है, ठीक है, और 100 रुपये का नोट y है। अब हमको बताइए, कुछ देर के लिए आपसे बोले कि 50 रुपये का दो गो नोट है, तो बताइए कौ रुपया हो जाएगा ये, 50 रुपये का दो गो नोट और 100 रुपये का चार गो नोट, तो ये हो जाएगा 100 रुपये का जब चार गो नोट होगा तो ये हो जाएगा 400, आई 50 रुपये का जब दो गो होगा तो ये हो जाएगा 100, और दोनों मिला के चार आ एक 500 हो जा रहा है। वही तो ये भी कह रहा है कि यहाँ पे 50 रुपये का नोट और 100 रुपये का नोट दोनों को मिलाया जाए रुपया को, तो कितना रुपया हो जा रहा है, यहाँ पे 2000 रुपया हो जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ कर दीजिए 50 रुपये का नोटों की संख्या, तो 50x अब प्लस ये हो जाएगा 100y। क्यों लिखे हैं, यहाँ पे कह रहा है कि 50 रुपये का x गो नोट है, तो 50 का नोट है, तो मान लीजिए कि हम आपसे बोले कि 50 रुपये का दो गो नोट है, तो क रुपया होगा, 50 दूना 100 रुपया होगा, 100 रुपया होगा ना। तो यहाँ पे दो गो नोट है हमको पता है, लेकिन यहाँ तो पता नहीं ना है कि क गो नोट है, तो एक से, तो 50 में एक से गुणा, 100 रुपये का वाई है तो 100 में, यानी कि 100 में वाई से गुणा, और दोनों रुपये मिला करके कितना है, 2000 रुपये है। कितना है, 2000। इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, ये भी 50 दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो 50 जब कॉमन निकलिएगा तो 50 बाहर आ जाएगा, तो ये x बचेगा, और यहाँ से जब 50 का पहाड़ा पड़ेगा तो 50 दूना 100 2y बराबर में हो जाएगा 2000। एक जीरो से एक जीरो खत्म, और ये हो जाएगा 5 का 20, यानी x प्लस 2y बराबर यहाँ पे बचा आपका 40, समीकरण दो मान लीजिए। अब देखिए तो समीकरण एक भी हमको मिल गया और समीकरण दो भी मिल गया, और इसे कौन से विधि द्वारा बनाना है, एलिमिनेशन मेथड द्वारा बनाना है, यानी कि विलोपन विधि। तो ऐसा करना है कि एक ठो विलोप हो जाए, या तो x विलोप हो जाए, नहीं तो y विलोप हो जाए। तो सबसे पहले किसी को एक कर एक जैसा बनाते हैं, तो हमको x जैसा बनाने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि x और एक एक जैसा है, तो समीकरण एक और दो को घटा दे रहे हैं। समीकरण एक में से दो को घटाने पर, ठीक है, समीकरण एक क्या है, यहाँ पे देखिए x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण दो क्या है, x प्लस 2y बराबर 40, ठीक है। घटाइए, घटाने पर सिंबल चेंज होता है, बता चुके हैं, ठीक है। ये 2y में से 1y जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में 1y, 40 में से 25 जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 10 में से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, और ये 1 15 हो जाएगा माइनस में, माइनस से माइनस करता हूँ, y बराबर 15। जब y बराबर 15 आ गया, एक मतलब कि y क्या माने हो, 100 रुपया का नोट कब है, 15 को है, तो ये डायरेक्ट कितना हो गया,
1500 हो गया। अगर 100 रुपया का नोट आपको गिन के 15 को दे दे तो 1500 रुपया हो गया ना, और क्या बच गया? आप यहाँ से दिमाग लगा सकते हैं, देखिए जब ये 1500 हो गया, हमारे पास 2000 रुपया है, तो और ये 500 बचा, कितना बचा? 500 रुपया बचा। तो 50 रुपये का कौन गो नोट देंगे कि 500 हो जाएगा, ठीक है? तो आप सोच के ही बता सकते हैं, 10 गो नोट देंगे तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो देखिए वैसे हम लोगों को भर के निकालना है, उतना ही आएगा। वाई का मान ले जाकर समीकरण एक में भर दीजिए, वाई का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक क्या है? एक्स प्लस वाई बराबर 25। एक्स क्या है? वाई आया है आपका 15। एक्स प्लस ये हो जाएगा 15 बराबर 25। एक्स बराबर हो जाएगा, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 25 माइनस 15, एक्स बराबर 10। एक्स क्या माने? यानी कि एक्स माने हैं 50 रुपये। तो देखिए जब बैंक में गई है कौन, यहाँ पे गई है मीना, तो 50 रुपये का नोट कौन को दिया है? 10 को दिया है, और 100 रुपये का नोट 15 को दिया है। तो दोनों को देखें ना, 100 रुपये का जब 15 को होगा तो ये हो गया 1500, और ये हो गया कितना? 500, ठीक है? जब 50 रुपये का 10 को नोट रहेगा तो कौन हो जाएगा? 500, और दोनों मिलाने पर 1000 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए 50 रुपये के नोटों की संख्या 10, 100 रुपये के नोटों की संख्या कितना हो जाएगा? 15, ठीक है? अब ऐसे भी बोला था कि सब मिला के वो कितना नोट दिया था? 25 को नोट दिया था, जोड़ने पर 25 को आ जा रहा है कि नहीं? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और मजेदार भी है, ठीक है? तो फिर हम लोग बिना देर किए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम लोग देखते हैं ये 3.4 का ये लास्ट क्वेश्चन है, मजेदार भी है, और देखिए इजी वे में समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखिए आसान क्वेश्चन तो सब कोई बन लेता है, जिस क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा फंसने वाला हो, जिसमें जान हो, उसको बनाने में बहुत मजा आता है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज फिक्स चार्ज फॉर ए फर्स्ट 3 डेज एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर इच डे देयर आफ्टर सबिता यानी सरिता पे 27 फॉर ए बुक फॉर 7 डेज वाइल सुशी पे 21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज ऑफ इच एक्स्ट्रा डेज। नहीं पल्ले पड़ा तो ध्यान से समझिए, यहाँ कह रहा है कि एक लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी जिसमें पुस्तक रखा जाता है, ठीक है? वो क्या कर रहा है कि लाइब्रेरी में से, मान लीजिए कि एक लाइब्रेरी हो गया, इसमें से जब पुस्तक दिया जाता है ना तो उसका पैसा लगता है, चार्ज लगता है, ठीक है? एगो चार्ज फिक्स रहता है कि कोई भी आदमी, अगर यहाँ पे लिखा है कि 3 दिन के लिए अगर आप किताब ले जाते हैं, ठीक है, तो आपके वो फिक्स चार्ज है, सबको 5 रुपया देना ही पड़ेगा अगर आप 3 दिन के, लेकिन उसका 1 दिन भी एक्स्ट्रा हुआ तो फाइन ज़्यादा देना पड़ता है, ठीक है? मान लीजिए कि आप सपोज कुछ देर के लिए 1 दिन का फाइन है 2 रुपया, कितना रुपया फाइन है? 2 रुपया, और 3 दिन तक 5 रुपया लगेगा, और एको दिन एक्स्ट्रा हुआ तो 2 रुपया लगेगा, फिर उसका अगले दिन एक्स्ट्रा हुआ तो फिर 2 रुपया लगेगा। अब मान लीजिए कि 3 दिन तक किताब जमा कर देना है, आपको लग गया मान लीजिए कि 5 दिन पढ़ने में, उसको कंप्लीट करने में, तो 3 दिन का आपको लगेगा कौन रुपया? 5 रुपया, और कितना दिन एक्स्ट्रा है? 2 दिन एक्स्ट्रा है, तो 1 दिन का लग रहा है 2 रुपया, तो 2 दिन का 2 दूना 4, 5 रुपया पहले वाला और 4 रुपया अभी वाला, 9 रुपया आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो जो फिक्स है उसी को तो फिक्स यानी नियत बोलते हैं, नियत चार्ज, ठीक है? और जो एक एक दिन का अदर लगता है उसे बोलते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे लिखा है एक्स्ट्रा डेज यानी एक्स्ट्रा चार्ज बोलते हैं, 1 दिन का पर डे का एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, ठीक है? वही क्वेश्चन है कि एक लड़की 3 दिन का तो फिक्स किराया है, लेकिन लड़की रखी है कितना दिन? 7 दिन किताब रखी है। तो अब आप बताइए कि इसमें से जब 3 दिन हट गया तो 4 दिन ही एक्स्ट्रा रखी है, 4 दिन एक्स्ट्रा हुआ, एक्स्ट्रा कितना? 4 दिन। और उसके बाद से एक और लड़की है जो 5 दिन किताब ले जाकर रख ली है, तो 3 दिन तो फिक्स है, तो 2 दिन एक्स्ट्रा हो गया, कितना एक्स्ट्रा हो गया? 2 दिन। तो सबसे पहले हम लोगों को करना क्या है उसमें, ठीक है, कि नियत चार्ज, 3 दिन का पैसा कुछ होगा ना, 3 दिन का पैसा मांग ले, यानी कि फिक्स चार्ज कौन रुपया है? यहाँ कुछ नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन ये दिया है कि दोनों एक्स्ट्रा चार्ज, फिक्स चार्ज यानी कि फिक्स वाला जो 5 रुपया 3 रुपया जितना भी है, और एक्स्ट्रा दोनों को मिला करके जब 7 दिन लगा है तो एक को देना पड़ा है कितना? 27 रुपया, और फिक्स चार्ज और जो एक्स्ट्रा चार्ज है इसको लगा है 5 दिन तो इसको देना पड़ा है 21 रुपया। तो सबसे पहले हम फिक्स चार्ज को एक्स मानेंगे और एक्स्ट्रा चार्ज को वाई मानेंगे, फिर दोनों को जोड़ के 27 रुपया लिखेंगे। यही क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए, यानी कि यहाँ पे हम लिखते हैं माना कि नियत किराया, यानी कि सबके लिए होता है नियत किराया, एक्स
तथा एक्स्ट्रा अगर किसी दिन भी ले जा रहे हैं तो एक एक दिन का लगता है, उसको अतिरिक्त बोलते हैं, अतिरिक्त किराया वाई। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब बताइए कि एक आदमी जो है एक दिन का अतिरिक्त किराया लगता है, लेकिन यहाँ देखिए सात दिन, यहाँ तीनों दिन फिक्स है, यानी कि आपका जो नियत किराया है कि तीन दिन तक आप ले जाते हैं तब तो ठीक है, लेकिन एको दिन एक्स्ट्रा हुआ तो पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है, फाइन के रूप में देना पड़ेगा। तो यहाँ तो तीन दिन ही ले जाना है, तो टोटल वो बेचारा सात दिन रख लिए, ठीक है, तो यहाँ पे सरिता क्या किए, सात दिन रख लिए, तो तीन दिन, तो यहाँ पे सात दिन में से तीन दिन इसका तो नियत हो गया, ठीक है, एक्स्ट्रा कितना दिन रखिए, चार दिन, तो दोनों पैसा मिला के इसको कितना रुपया देना पड़ेगा, सत्ताईस रुपया। तो यहाँ लिखिएगा प्रश्न से, ठीक है, नियत किराया यानी तीन दिन का किराया एक्स, तो देखिए जब नियत बोल दिया जाए तो समझ लीजिएगा वो तीन दिन का है, ये कितना दिन का है, तीन दिन का, तो जब यहाँ तीन दिन का लिख दिए तो और कितना दिन बच गया, चार वाई, अतिरिक्त चार दिन लगा है और दोनों मिलाकर के कितना रुपया देना पड़ा है, सत्ताईस रुपया। दूसरा कंडीशन में इक्कीस रुपया देना पड़ा है, पाँच दिन रखिए, तो तीन दिन निकाल लीजिए, तीन दिन को हम लोग एक्स कर ले रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कितना दिन हो रहा है, दो दिन, ठीक है, समीकरण ये एक हो गया, समीकरण ये दो हो गया, ठीक है। अब समीकरण एक और जो दो जब हमारा ये बन गया, ठीक है, अब प्रश्न से हम लिख दिए तो क्या करेंगे, हम लोगों को विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड तो पता है, दोनों को समान की जाती है तो दोनों समान है, एक ही जैसा है, तो समीकरण एक में से दो को घटाने पर, ठीक है, ऊपर ही हम लिख सकते थे, लेकिन अब लिख लीजिए यहाँ पर समीकरण एक में से दो को घटाने पर, फिर से अब लिखना पड़ेगा, बराबर 27 और x प्लस टू वाई बराबर 21, घटा दीजिए, ये ख़त्म हो जाएगा, चार वाई में से दो वाई जाएगा तो दो वाई, और 26 में से 21 जाएगा तो हो जाएगा ये आपका 6, दो तीन 6 y बराबर 3। y क्या माने हैं, अतिरिक्त किराया, यानी फाइन का किराया कितना है, एक दिन का फाइन मारा है तीन रुपया, ठीक है, तो भाई फिक्स किराया कितना होगा, तो यहाँ लिखते हैं y का मान समीकरण एक में रखने पर, तो x प्लस फोर वाई बराबर 27, एक्स प्लस फोर वाई के माना है 3 बराबर 27, एक्स प्लस चार तीन 12 बराबर 27, एक जात को एक जगह कीजिए, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, 27 माइनस 12, एक बार सात में से दो जाएगा हो जाएगा ये 5, और ये दो में से ये हो जाएगा आपका 15, यानी कि अब देखिए अगर आप कुछ देर के लिए, यहाँ से देखिए आपका x बराबर 15 आ गया और y बराबर 3 आ गया, यहाँ एक चीज़ समझ लीजिए, कुछ देर के लिए हम अलग से आपको एक क्वेश्चन देते हैं, मान लीजिए कि हमने किताब 6 दिन रखा, कितना दिन रखा, 6 दिन, तो देखिए तीन दिन का फिक्स पैसा है, तीन दिन का फिक्स पैसा यानी कि अब फिक्स पैसा पता चल गया, तीन दिन का आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, लेकिन एको दिन एक्स्ट्रा हुआ तो एक्स्ट्रा है ये, एक दिन का फाइन 3 रुपया है, तो हम क्या किए कि इसमें से तीन दिन हटा दें, तीन दिन 6 दिन हो जा रहा है, तो तीन दिन तो ये फिक्स हो गया कि तीन दिन तक जाएंगे तो कोई फाइन नहीं लगेगा, तो इसका 15 रुपया हमको देना ही, फिक्स प्राइस तीन दिन के लिए 15 रुपया है, लेकिन एको दिन एक्स्ट्रा हुआ तो 3 रुपया एक दिन का, तो हमारा एक्स्ट्रा कितना हुआ है, 3 रुपया हुआ है, तो एक दिन का 3 रुपया तो तीन दिन का कितना हो जाएगा, 9 रुपया हो जाएगा, 3 × 9 15 अनौ कितना होता है, तो 24 होता है, हमको 24 रुपया देना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पे भी हुआ था, कितना दिन लड़का ले गया था, सात दिन ले गया था, कितना दिन ले गया था, सात दिन, तीन दिन का किराया 15 रुपया, अब बच गया चार दिन, चार दिन तो एक दिन का किराया 3 रुपया है, तो चार दिन का चार तिहाई कितना हो जाएगा, 12 रुपया हो जाएगा, 12 और ये 15 कितना होता है, 27 होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।